हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे मैं कुछ दिन से वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुका था, ठीक है, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज से मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मेरा तबीयत अब ठीक है आप लोगों के प्यार से। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे होने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। और अभी मेरे चैनल पे जो न्यू है उनको दिल से वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि ऐसे लेटेस्ट ट्यूटोरियल आप मिस ना करें, ठीक है। और चलो कुछ नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अभी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में और आने के बाद ये वाला व्हाइट बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं पहले, और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद एक क्लाउड को ऐड करते हैं और यहाँ ऐसे करके इसे फिट कर देना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके, और उसके बाद जाते हैं टूल्स में और यहाँ कर्स में आ जाते हैं और इसको ऐसे नीचे करके थोड़ा डार्क इफेक्ट देते हैं, हो गया, यहाँ से ओके। और उसके बाद जाते हैं टूल्स में फिर से और यहाँ एडजस्ट, उसके बाद यहाँ सेचुरेशन को डाउन कर दें इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके, और उसके बाद ऐड फोटो में जाते हैं फिर से और ये वाइट वाला बैकग्राउंड को फिर से ओपन करते हैं और इसको ऐसे करके इतना, ठीक है। और उसके बाद ब्लेंडिंग मोड रखते हैं ऐड और ओपासिटी को थोड़ा डाउन करते हैं इतना, ठीक है, और यहाँ हल्का सा इरेज करते हैं ये, हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके, अभी थोड़ा ओपेसिटी को ज़्यादा करते हैं और साइज को इतना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में फिर से। यहाँ जाने के बाद ये सीड्स को ऐड करते हैं, इतना, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं एडजस्ट और इसका सेचुरेशन में थोड़ा डाउन करते हैं और क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज और हाईलाइट को भी थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके और उसके बाद यहाँ प्लस आइकन में ऐड फोटो में क्लिक करते हैं। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद ये डायनासोर को ओपन करते हैं, इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है सेम इतना, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट में जाते हैं, क्लैरिटी भी देते हैं इसको थोड़ा इतना, ठीक है, और सेचुरेशन भी थोड़ा डाउन करते हैं इतना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके, उसके बाद ये जो सीट्स हैं वहाँ पे क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो डायनासोर है ना वो पीछे चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि देखो, ये हो गया। उसके बाद सिंपली यहाँ से ओके और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में फिर से। जाने के बाद मॉडल को ओपन करते हैं, ये हो गया। उसके बाद एडजस्ट में जाते हैं और हाइलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज करते हैं पहले ना, ठीक है, क्लैरिटी भी देते हैं थोड़ा सा
स्टेटस को थोड़ा डाउन करते हैं। ये हो गया, आई थिंक सैचुरेशन भी थोड़ा डाउन करना चाहिए। ये ठीक है, यहाँ से ओके। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा, इतना सही लग रहा है शायद। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ओके। और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में, फिर से जाने के बाद ये 3D गगल्स उसको ऐड करते हैं। इससे सेम फिट कर देना है, ठीक है। ना ठीक है, उसके बाद ब्रश थोड़ा इरेज करते हैं, साइज ओपेसिटी भी कम रहेगा हल्का सा, ठीक है, बस आके दिखना चाहिए। ये हो गया, उसके बाद यहाँ से ओके। और जाते हैं फिर से ऐड फोटो में, जाने के बाद ये पॉपकॉर्न उसको ऐड करते हैं। पहले जाते हैं एडजस्ट में और इसका सैचुरेशन थोड़ा डाउन करते हैं, ज़्यादा कलर दिख रहा था। उसके बाद इसको भी थोड़ा क्लैरिटी देते हैं, इतना ठीक है। और इसका हाईलाइट थोड़ा सा डाउन करते हैं, इतना ठीक है, ओके। उसके बाद इसको साइज एडजस्ट करते हैं पहले, अब यहाँ जाके थोड़ा इरेज करते हैं, हार्डनेस को ज़्यादा रखते हैं, ओपेसिटी भी ज़्यादा। ये हो गया, उसके बाद यहाँ से ओके और ओपेसिटी को हाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से भी ओके, ये हो गया। उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में, फिर से जाने के बाद ये शीट्स को फिर से ओपन करते हैं। और एडजस्ट में जाके इसको भी थोड़ा सैचुरेशन को डाउन करते हैं और क्लैरिटी भी थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे नीचे लाना है, यहाँ तक ओपेसिटी कम करके देखते हैं। इतना ठीक है, यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ से सेकंड लाइन से ये हो गया, उसके बाद यहाँ से ओके। अब इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हैं, इतना ठीक है, यहाँ से ओके। उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद ये एग को ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ कटआउट में जाते हैं और इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, उसके बाद इसको यहाँ रख देना है,
पहले इसका कलर थोड़ा डाउन करते हैं। इतना ठीक है, यहाँ से ओके, और उसके बाद ये ठीक है, ये जो नीचे का जो हमने शीट्स ऐड किए थे ना, वहाँ पे क्लिक करते हैं। देखते हैं कहाँ से इरेज होगा। उसके बाद ये एक को इरेज करते हैं ऐसे, अब ठीक है, यहाँ से ओके, ये हो गया। और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में, फिर से जाने के बाद बाकी जो डायनासोर्स बचे हैं उसको ऐड करते हैं, उन लोग को उसको रख देना है यहाँ पे। यहाँ इसको भी थोड़ा क्लैरिटी देते हैं और सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन, यहाँ से ओके, और इसको यूज करते हैं। ये हो गया, उसके बाद यहाँ से ओके, और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में फिर से और इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करना है क्योंकि छोटा रहेगा यहाँ पे। ये हो गया, यहाँ से ओके, और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में फिर से। यहाँ जाने के बाद इसको ओपन करते हैं, इसको साइज छोटा करके यहाँ पे, और ओपेसिटी यूज करेगा थोड़ा सा डाउन, यहाँ से ओके। उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में फिर से, और लास्ट ये रह गया है, उसको ऐड करते हैं। उसके बाद जाते हैं एडजस्ट में और इसका भी क्लैरिटी देते हैं थोड़ा सा, और इसका भी सैचुरेशन डाउन, इतना ठीक है, यहाँ से ओके। इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद इसको ओपेसिटी थोड़ा सा डाउन, और इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हैं नीचे में, ओपेसिटी कम रख के हार्डनेस को भी कम, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके, यहाँ से भी ओके। उसके बाद सिंपली क्या करते हैं, ड्रॉ टूल में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं लाइटरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अभी लाइटरूम एप्लीकेशन में, और जो हमने पिक्सआर्ट पे एडिटिंग किए थे उसको यहाँ ऐड करते हैं। ये आ गया, और उसके बाद इसको इसका लाइट्स हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं पहले। एक्सपोजर को थोड़ा डाउन ही करना है और हाइलाइट्स को, हाइलाइट्स को इतना ठीक है, व्हाइट्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा, शेडोज को भी, ब्लैक को थोड़ा सा डाउन करना है, हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा टेक्सचर देते हैं,
क्लैरिटी भी थोड़ा सा ना ठीक है, ज़्यादा नहीं, और विग्नेट को ना ठीक है, फेदर को देखते हैं कितना, और मिड पॉइंट भी इतना ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा शार्पनिंग देते हैं, डिटेलिंग भी थोड़ा सा ना ठीक है। सो फ्रेंड्स, फाइनली कंप्लीट हो गया है हमारा फोटो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इसका ट्यूटोरियल देखने के बाद आप एडिटिंग करो, अच्छे से एडिटिंग करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना ठीक है। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।